हेलो एंड वेलकम टू साउल जीरो ऑयल कुकिंग। आज हम बनाएंगे स्पाइसी पेरी पेरी मोमोज। इससे पहले कि हम इस रेसिपी को बनाएं, आइए इसके इंग्रेडिएंट्स पर एक नज़र डाल लेते हैं। पत्ता गोभी एक बोल, प्याज एक कप, हरी प्याज एक कप, नमक स्वाद अनुसार, पनीर 250 ग्राम, गेहूं का आटा 250 ग्राम, लाल मिर्च पाउडर एक टीस्पून, सूखी लाल मिर्च 15, लहसुन की कलियाँ 15, जीरा हाफ टी स्पून। चलिए अब हम अपनी इस रेसिपी को बनाते हैं। पहले हम मोमोज की फिलर रेडी करेंगे, जिसके लिए पहले एक बड़ा बोल लेंगे और उसमें ऐड करेंगे एक बोल पत्ता गोभी, एक कप प्याज, एक कप हरी प्याज और स्वाद अनुसार नमक। फिर सारे इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे ढककर 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब इस मिश्रण में से पानी को अलग करके इसे एक प्लेट में रख लेंगे। अब 250 ग्राम पनीर को मिश्रण में हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मोमोज के लिए फिलर रेडी है। अब 250 ग्राम गेहूं के आटे का डो बना लेंगे और इसे रोल करके इसमें फिलर को फिल कर लेंगे और इसे मोमो का शेप दे देंगे। फिर हम मोमोज को आपके पैन में डालकर 20 मिनट के लिए स्टीम कर लेंगे। मोमोज स्टीम हो गए हैं। अब इन्हें एक टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और इसे मोमोज में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारे मोमोज बन गए हैं। चलिए अब इसकी चटनी बनाते हैं। इसके लिए 15 सूखी लाल मिर्च को थोड़े से पानी के साथ ग्राइंड कर लेंगे। फिर 15 लहसुन की कलियों को भी हम ग्राइंड कर लेंगे और इसे मिर्ची पेस्ट में डाल लेंगे। अब एक पैन में हाफ टी स्पून जीरा लेंगे और इसे अच्छे से भून लेंगे। फिर पेस्ट को एक गहरे से पैन में रखकर इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे और चटनी को 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पका लेंगे। हमारी मोमोज चटनी रेडी है। हमारी स्पाइसी पेरी पेरी मोमोज और चटनी बनकर एकदम तैयार है। ऐसी ही और भी मजेदार रेसिपीज के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें।